हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनोखी रसोई। आज मैं आपको गुजराती ढोकला बनाना सिखाऊंगी। तो आज देखिए कितना स्वादिष्ट बनाते हैं। उसके लिए क्या क्या चाहिए मुझे ये आप देख लीजिए। हमें एक कटोरी बेसन चाहिए और ये कुछ धनिया कटी हुई है, एक नींबू है मैंने हाफ हाफ काट लिया है, और ये कड़ी पत्ता है, ये अदरक लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट बना लिया है। एक मिर्चा मैं तड़के के लिए रखूंगी, और ये थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए ऊपर से मैंने गरी का भूरा लिया है, और ये मैंने पानी में करीब 4 चम्मच चीनी घोल के रख लिया है। ये अभी मैं जब हमारा ये बनेगा पेस्ट इसका बेसन का, तो मैं थोड़ा उसमें डालूंगी, और थोड़ा जब हम ऊपर से तड़का देंगे तब डालेंगे। और ये सरसों है मेरी वही बारीक वाली, और ये मेरा मीठा सोडा है करीब 1 टीस्पून है, और ये थोड़ी हल्दी है, नमक है, ये सब 1 टीस्पून है, और ये थोड़ा हींग है, और ये मेरे ऑयल है जो मैं अभी इस पेस्ट में भी डालूंगी और तड़के के लिए भी रखूंगी। तो ये सारे हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अब आप देखिए कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे हम इसको। सबसे पहले दोस्तों, कभी भी जब ढोकला बनाते हैं तो उसको सबसे पहले हमको बेसन को चालना चाहिए। हम बेसन नहीं चालते हैं इसलिए इसमें लम्स रह जाते हैं, इसलिए ये बहुत जरूरी बात है। इसके लिए आप इसे ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बेसन को इस तरह चाल लेंगे जिससे इसके जो भी बड़े बड़े पीस दिख रहे हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। इसको अच्छे से हमको चालना है। गुजराती ढोकला तो वैसे बहुत ही फेमस है, आजकल तो सभी लाइक करते हैं इसको, आप भी अपने घर में ट्राई करिएगा इस तरह से, बहुत जल्दी बन जाता है। एक बात और है दोस्तों कि मैंने इसमें इनो नहीं डाला है, सभी वो इनो डालते हैं, मैं इसमें इनो नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ इसमें मीठा सोडा डाल रही हूँ, उससे भी ये बन जाएगा अच्छा। तो अभी इसको मैं अच्छे से चाल लूं, फिर इसके बाद तो हम अच्छे से फेंटेंगे जिससे इसमें कुछ भी होना रहे लंच वगैरह। हमारा हो गया, अब इसमें हम इसको डालेंगे बाउल में जिसमें हमको फेंटना है। इसको हम सारा का सारा निकाल लेंगे। इसमें पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, ये मीठा सोडा हम बाद में डालेंगे जब हमको फिट एकदम काफी देर तक, करीब 10 मिनट तक फेंटना पड़ेगा इसको, उसके बाद डालेंगे। तो अभी हल्दी डालते हैं, ये हींग डाल दिया, ये हमको तड़के के लिए चाहिए था, तो और इसमें हम इसको भी डालेंगे, ये अदरक और मिर्ची का पेस्ट है, और थोड़ा सा हम अभी हमने पानी तैयार किया था चीनी वाला घोल करीब 4 चम्मच है, तो उसमें आधा डाल देंगे, आधा मैं बचा के रखूंगी और थोड़ा थोड़ा करके डालना है इसको। तो सब मिलाना है, खट्टा मीठा टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। हल्का सा पहले इसको मिक्स कर लें, फिर हमें पानी और डालना पड़ेगा इसमें, एक साथ हमें ज्यादा पानी नहीं डालना है नहीं तो मिक्स नहीं हो पाएगा। पहले थोड़ा सा हम इसको फेंट लें, उसके बाद में थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसमें, जैसे कि कुछ भी इसमें ना रहे लम्स वगैरह, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। इसे इसको फेंटते रहना है थोड़ी देर तक, इसको हमको ऐसे ऐसे नहीं चलाना है, एक ही क्रम में चलाना है, चाहे ऐसे ऐसे चलाइए चाहे ऐसे ऐसे, तो एक ही बार इसी तरह हम चला रहे हैं तो हमको इसी तरह ही इसको
फिरते रहना है एक ही उस पे, आप वो जो साइज पे हमने जाएंगे। और थोड़ा सा हमने इसको मिक्स कर लिया है, इसमें हम आधा नींबू डाल देंगे, आधा मैं बाद में डालूंगी जब मेरा तड़का तैयार होगा। तो हमको ऐसे ही भीज ना जाए, इस तरह पूरा पूरा नींबू डालना है इसमें निचोड़ के, इससे बहुत जल्दी फूल जाएगा ये। बाद में जब मीठा सोडा डालेंगे, खाने वाला ये सोडा है, तो एकदम अच्छे से ऊपर तक आ जाएगा ये। इसको हमें फेंटना है। तो करीब 5 से ज्यादा मिनट हो गया है हमको इसको इस तरह फेंटते हुए एक ही डायरेक्शन में। अब इसे हम थोड़ा सा 1 टीस्पून कोई भी ऑयल आप मिला सकते हैं, मैं रिफाइंड ऑयल मिला रही हूँ जिससे कि हमारा खिला खिला सा बने। अब ये और फेंटना है मुझे, जितना हम इसको अच्छे से फेंटेंगे उतना ये फ्लफी बनेगा और इसमें पानी अंदर तक जाएगा। इसको आप जब हम तड़का बनाएंगे उसमें पानी वगैरह डालेंगे तो सारा अंदर तक जाएगा। दोस्तों ये मैंने कढ़ाई इस पर चढ़ा दिया है, ये मैं गैस ऑन कर लेती हूँ। इस तरह कोई भी स्टैंड आप रख लीजिए और ये इसमें मैंने ऑयल लगा दिया चारों तरफ जिससे हमारा ढोकला चपके ना। तो अभी धीरे धीरे इसको गर्म होने के लिए हम रख देंगे। इसको बहुत ठंडे पे ना तो हमको इसको डालना है, ना ही बहुत गर्म पे डालना है। इसको हमने ऑन कर दिया है, अभी थोड़ा गर्म होगा तब तक हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे। और अभी 10 मिनट हो गया कम से कम इसको हमको फेटते। इसका देखिए दोस्तों ये थोड़ा बुलबुले भी पड़ गए हैं, यानी कि हल्का हो गया ये। इसको ज्यादा अच्छे से फेटा हमने एक ही साइड में। अब जब हम इसको डालेंगे तो थोड़े मीठा सोडा, तो हमको थोड़ा करीब 2-3 मिनट हमको फेटना पड़ेगा इसको, और उसके बाद तुरंत ही हमको इसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा अपने बाउल में जैसे हमको बेक करना है इसको। बेक नहीं तो दोस्तों अब हम इसमें बेकिंग सोडा, ये खाने वाला सोडा है, ये डाल दे रहे हैं इसमें। ये 1 टीस्पून है, इसको हम डालेंगे। फिर इसी तरह ही 1 साइड हमको चलाना है जल्दी जल्दी, जितनी जल्दी जल्दी इसको हम ऐसे फेटेंगे उतना ही हल्का होता जाएगा, इसका कलर भी चेंज होगा, बहुत ही फ्लफी बनेगा इसका। इसमें बढ़ गया हाथों की थोड़ी कसरत होगी लेकिन ये अच्छा बन जाएगा। देखिए एकदम हल्का हो रहा है दोस्तों, और भी उठ रहा है ये। इसको हम बहुत ज्यादा देर तक नहीं फेंटेंगे, सिर्फ 2 सेकंड 2-3 मिनट। अब ये हो गया है दोस्तों, अब इसको हम इसमें ट्रांसफर करेंगे, इसको हम एक साथ ही इस बाउल में निकाल देंगे। बहुत ज्यादा तो ऊपर नहीं फाड़ना हमको, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। और जब इसमें सोडा पड़ जाए तो बहुत देर तक हम इसको फेंटने के बाद रखना नहीं है, इसको तुरंत हमको जिसमें हमको भाप देना है उसको तुरंत इसमें डाल देना है। ऐसे करेंगे तो बहुत अच्छा बनता है। अब इसको हमने इसमें पूरा ट्रांसफर कर दिया है, अब इसको हमको ऐसे ही ढक देना है और इसको हमें स्टीम देनी है। और कम से कम 15 से 20 मिनट हमको इसको मीडियम पे करके, बहुत ज्यादा हाई पे नहीं करना है, हल्का सा मीडियम करेंगे और इसको पकाएंगे नहीं, ज्यादा तेज करेंगे तो ये कच्चा रह जाएगा। इसके ऊपर हम कोई भी ऐसी भारी चीज रख सकते हैं जिससे कि ये इसका भाप जल्दी से बाहर ना जाए। तो 15 से 20 मिनट हम इसको मीडियम में हम इसको स्टीम देंगे। तो दोस्तों देखिए मेरा ये ढोकला एकदम तैयार हो गया है, अब इसको हम चेक कर लेते हैं, एकदम साफ आएगा तो ये एकदम से, और इसमें ज्यादा गंदगी नहीं है, एकदम सूख गया है ये, यानी कि ये बिल्कुल फिट हो गया है। अब इसको हम थोड़ा ऐसे ही धीमा पे कर देंगे, पूरा टोटल ऑफ नहीं करेंगे और इसको इसी तरह चलाएंगे, इसको ढांक देंगे हल्का सा, और तब तक हम इसका वो छौंका इसका तैयार करते हैं। और आप एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि कढ़ाई हमारी बहुत छोटी है,
तो उसके हिसाब से हमने पानी इसको बार बार हमको देखना पड़ेगा। जैसे 10 मिनट हो गया था, फिर हमने एक गिलास पानी और डाल दिया, तो पानी आप देखते रहिए, या तो आप बहुत बड़ा बर्तन लीजिए और तब उसमें रखिए। तो आप इसका ध्यान रखिएगा, देख किनारा भी हमारा अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हम सब वो तड़का तैयार कर लेते हैं, तो इसको हम ऐसे ही डाल देते हैं। तो हमने इस बाउल में बाउल चढ़ा दिया मैंने, और इसमें हम करीब 2 चम्मच तेल डालेंगे। दोस्तों 10 मिनट बाद आप ढोकला एक बार जरूर देखिएगा, और 20 मिनट में मेरा करीब पूरा 20 मिनट लगा मुझे इसको पकाने में। तो आप एक बार पानी जरूर देखिएगा, या तो आपका बड़ा बाउल हो, बड़ा बर्तन हो, और या फिर आप जो है उसको बार बार इस तरह पानी देखते रहेंगे और पानी डालना पड़ेगा आपको। तो मैंने ये मेरी कढ़ाई छोटी है इसलिए मुझे इसमें 2 बार पानी डालना पड़ा। तो अब ये गर्म हो गया है ऑयल मेरा, सबसे पहले हम इसमें राई डाल देंगे। मिर्चा डाल देंगे और ये करी पत्ता डाल दिया। और ये जो हमने नमक और चीनी का घोल तैयार किया था, इसे मैंने आधा नींबू जो बचा था वो हमने इसमें निचोड़ के डाल दिया है। अब मेरा तड़का हो गया, अब इसमें हम पानी डाल देंगे। हमारा पानी तैयार हो गया है, थोड़ा सा खोल जाए, इसको हम अलग रख देंगे। तब तक हम इसको देख लेते हैं हमारा ढोकला कितना तैयार है। किसी चीज से निकालना पड़ेगा, एकदम से तैयार है मेरा। चारों तरफ से इसके किनारे छूट गए हैं, यानी कि ये अच्छे से तैयार हो गया है। इसको हम पहले कट लगा देंगे, उसके बाद हम जो है बड़ा बड़ा कट लगाते हैं। जैसे कि इसमें अच्छे से चला जाए इसका जो हमने बनाया है पानी, और खूब फ्लफी रहे, बहुत फूल गया है देखिए। इसमें पानी डाल देते हैं, बहुत ज्यादा हम इसको ना तो ठंडा रखेंगे ना ये ठंडा, दोनों मीडियम पे होना चाहिए दोस्तों। और इस तरह हम इसको पानी डाल देते हैं, इसमें इसका पानी सोखेगा। सब तरफ से लगा देंगे हम, ऊपर से हम इसको धनिया से थोड़ा थोड़ा धनिया डाल देंगे, और थोड़ा सा ये नारियल का हम बूरा डाल दे रहे हैं, ये डेकोरेशन के लिए है। आप अगर है तो आप डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों देखिए कितना अच्छा हमारा ढोकला तैयार हो गया है। आप भी इसको घर पे इसी तरह बनाइए, और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप भी इसको घर पे जाके बनाइए। तब तक के लिए बाय बाय।